हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम हमारी जो न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, इसी के साथ आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल संडे था और कल भी हमने डिस्कशन की थी। जो तो मैक्सिमम जो न्यूज़ थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी और आपको पता है कि संडे को पीआईबी वगैरह से कोई न्यूज़ है वो आती नहीं है, तो कल की कोई ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास है नहीं। तो जो भी दो चार न्यूज़ हैं वो जो आज की न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे कवर है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण अभियान को लेकर न्यूज़ आइए उसके बारे में जानेंगे। देखो कंटेक्स्ट है वो भी जानेंगे और इससे पहले हम जानते हैं पोषण अभियान के बारे में। तो क्या पोषण अभियान है, उसके जो जो फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाते हैं। देखो पोषण अभियान की बात करें तो हमारे देश में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं या फिर जो लोग कुपोषण से पीड़ित हैं उनको बेसिकली कुपोषण से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो लाई गई थी। मतलब एक तरीके से न्यूट्रिशन की जो भी कमी है हमारे देश में, यूथ हो चाहे बूढ़े बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, उसके अंदर जो पोषण है उसको दूर करने के लिए बेसिकली पोषण अभियान लाया गया था। ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इसी साल बेसिकली लॉन्च है वो की गई थी 2018 में, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे अहम बात क्या है, इस स्कीम का मेन मोटो क्या है, पोषण अभियान का मेन स्टैंड ये है कि ये जो होलिस्टिक न्यूट्रिशन है वो लोगों को प्रोवाइड करना। देखो कुछ एरियाज में क्या है, कई बार खाने की प्रॉब्लम से या तो बच्चे में स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर उनका अंडरवेट होता है या फिर ओवर वेट की शिकायतें होती हैं, तो उन सबसे भी यहाँ पे निपटा जा सकेगा। अब अहम बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री की है, क्योंकि एक तो मिनिस्ट्री इसमें थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। यूपीएससी ऑप्शन दे सकती है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई स्कीम है, तो जी ऐसा नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है। तो ये फैक्ट थोड़ा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि देखो यूपीएससी काफी क्लोज ऑप्शन दे देती है काफी बार, तो देख के लगता है कि यार शायद ये सही हो सकता है। तो ऐसे मामले में हमारे पास एक प्रॉपर एक्यूरेसी या प्रॉपर डाटा रहेगा तभी हम अच्छे से आंसर को सही है वो कर पाएंगे। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि इसका टारगेट क्या है कि हमारे देश में जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करना, इसके साथ ही अहम बात क्या होगी, स्टंटिंग हो गई, अंडर न्यूट्रिशन हो गया और वुमेन के अंदर स्पेशली जो एनीमिया की शिकायत पाई जाती है उसको दूर करने के लिए बेसिकली ये पोषण अभियान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है वो किया। अब हम जानते हैं कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट ये है कि एपी गवर्नमेंट ने काउंसिल बनाई ताकि पोषण अभियान को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि देखो पोषण अभियान को बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करना है अगर इंडिया में, तो उसके लिए पहले एक प्रॉपर काउंसिल हो तो वो प्रॉपर ढंग से एक तरीके से वेरीफाई कर सके कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है, वो सब एक प्रॉपर डाटा तो होना था, प्रॉपर फ्रेमवर्क, और उसी के लिए काउंसिल है वो अभी बनाई गई है। तो जो काउंसिल सेटअप की गई है उसका काम क्या होगा, वो एक अपेक्स बॉडी के तौर पे काउंट करेगी पोषण अभियान के लिए, जो भी पॉलिसीज जाएंगी उनको फॉर्मुलेट करेगी, गाइडलाइंस वगैरह तैयार करना और उनको प्रॉपर मॉनिटर भी करना कि कहीं करप्शन वगैरह नहीं हो रहा है, कोई शिकायत आ रही है तो उसको एड्रेस वगैरह करना, ये सारे काम बेसिकली इस काउंसिल के द्वारा किए जाएंगे। तो बेसिकली जो रिपोर्ट इस काउंसिल के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाएंगी वो प्रधानमंत्री को हर 6 महीने में सौंपी जाएंगी। मतलब ये काउंसिल रिपोर्ट तैयार करेगी और हर 6 महीने में प्रधानमंत्री को एक तरीके से अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद जो भी नए इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और नए एक्शन उसके अकॉर्डिंग ली जाएंगी। अब देखो बेसिकली इसके 3 काम है इस काउंसिल के, हम बोले तो एक तो पॉलिसी को डायरेक्शन देना कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, इसी के साथ ही इंडिया में जो न्यूट्रिशन के चैलेंजेस हैं, जो जो बाधाएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई देखो हर देश हमारे देश के हर स्टेट में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन हैं, किसी एरिया में किसी न्यूट्रिशन की कमी है, किसी एरिया में किसी है, तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग स्कीम चलानी होंगी। इसके लिए न्यूट्रिशन चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस स्टेट में ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं तो उनको दूर करना है यहाँ पे ही। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन का बहुत काम, क्योंकि देखो जब बात की जा रही है पोषण अभियान की तो इसमें क्या होगा, लोगों को टाइम टू टाइम फूड है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि फूड के लिए तो ऑलरेडी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काम कर रहा है। अब देखो होगा क्या, पोषण अभियान में काफी सारी छोटी छोटी स्कीम्स हैं, तो अगर देखो बहुत सारी स्कीम हो जाती है तो उनमें इंटरलिंकेज बहुत जरूरी होता है, मतलब आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो ढंग से इंप्लीमेंट हो सके। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन और उनको रिव्यू है वो भी किया जाएगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा। इसके साथ अहम बात क्या है कि हमारे देश में जो प्रोग्राम चलेंगे न्यूट्रिशन के उनको क्वार्टरली बेसिस पे एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा प्रोग्राम का, कि हाँ भाई हर क्वार्टर मतलब हर 4 महीनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से काम है वो हो रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पोषण अभियान के बारे में जाने और इसी के साथ जो काउंसिल सेटअप की गई है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखो थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि आज शाम को शायद डिस्कशन नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तो एक बार थोड़े क्वेश्चंस भी हम साथ ही आज कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है बेसिकली यंग चैंपियंस अवार्ड को लेके, क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यंग चैंपियन अवार्ड। 2 स्टेटमेंट दिए गए, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो यंग चैंपियंस अवार्ड है वो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन इसी के साथ यूनिसेफ है उसके द्वारा अनाउंस है वो किए गए हैं।
दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि हमारे देश में जो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्चुअली इसमें एड्रेस किया जाएगा। इसी के साथ ही जो इन्वॉल्वमेंट सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। देखो, हमने यंग चैंपियंस अवार्ड के बारे में भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, 4-5 दिन पहले ही। बेसिकली आपको बता दूं कि आपने सोच लिया होगा पहले तो आंसर। देखो, इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि यंग चैंपियंस अवार्ड है वो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है वो इसी के साथ यूनिसेफ इन दोनों के द्वारा ही एक तरीके से अनाउंस है वो किए गए। इसका काम क्या है? इसका काम, इस अवार्ड का बेसिकली ये था कि स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, इसके साथ ही उनके जो प्रॉब्लम्स हैं इसको एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है अर्पित इनिशिएटिव के बारे में। तो देखो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना है क्योंकि इसको भी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, 2-3 दिन पहले ही। पहला ऑप्शन दिया गया, इस पहला स्टेटमेंट वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का यह एक इनिशिएटिव है। दूसरा ये है कि इट इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग मॉक प्लेटफॉर्म स्वयं, मतलब स्वयं पोर्टल की हेल्प से हमारे देश में 15 लाख हायर एजुकेशन की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं वहाँ पे, उनको एक्चुअली यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से डेवलप है वो किया जाएगा, और HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो आपको बताना कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, ए सही है, बी सही है, जो भी है आपको इसके बारे में जरूर जरूर बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। क्वेश्चन ये है कि इंडिया पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनी हुई है। एक ऑप्शन दिया गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा दिया गया है इंडियन प्रेसिडेंट, और चौथा दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको बताना कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है। देखो, आपको पता होगा ओब्वियसली कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, हमने लक्ष्मीकांत में काफी बार पढ़ा भी है। देखो, फोर्थ ऑप्शन तो इसका डायरेक्टली गलत हो जाएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट का, आपको पता है, इंडियन पार्लियामेंट से मिलकर नहीं बनी हुई है। इसका आंसर होगा ए बी सी, मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही हैं। फोर्थ चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और इंडिया के जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट की, या इंडिया बोल सकते हैं, तीनों से मिलकर इंडियन पार्लियामेंट है वो बनी हुई होती है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है गांधी जी को लेके, है एक्चुअली मॉडर्न इंडिया से लिए। क्वेश्चन है वो है कि गांधी जी ने किसको कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रेसिंग बैंक्स, ये किसकी बात थी। देखो, इसके बारे में यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा भी है, और स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है कैबिनेट मिशन, और चौथा है माउंटबेटन प्लान। तो देखो, हमने बहुत बार इसको डिस्कस भी किया है पहले, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको एक बार मॉडर्न हिस्ट्री की बुक खोलोगे, स्पेक्ट्रम एक बार आप खोलोगे, तो आपको अपने आप इनका आंसर पता चल जाता है। जैसे कि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा डायमेंशन का नहीं पता होता है, तो वहां पे हमें डिस्कशन की जरूरत होती है। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कि हाँ, हमें पता होना चाहिए उनके पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आज का आर्टिकल आया है वह है सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट के बारे में। देखो, अभी आपको पता है कि RBI का सेक्शन 7 है, उसकी काफी बवाल चल रहा है, तो थोड़ा कंटेक्स्ट भी देखते हैं और फिर हम RBI का जो एक्ट है सेक्शन 7, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस है वो करेंगे। देखो, आपको पता है कि RBI है वो बेसिकली हमारे देश में 1935 में बनाया गया था, बट RBI एक्ट कब आया था, 1934 में आ गया था। RBI एक्ट 1934 में आया था और उसके तहत RBI को 1935 में बनाया गया था, ये तो हमने देख लिया। अब देखो, उस टाइम पे जो RBI एक्ट आया उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी किए गए। तो जो RBI का एक्ट है, जो RBI एक्ट 1934 है बेसिकली, इसी में जो सेक्शन 7 की बात हम करें, उस सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि ध्यान से सुनिए कि कोई भी, मतलब हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मामले में। कौन से मामले में स्पेशली? इस मामले में दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके मामले को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को आदेश दे सकती है कि भैया आप ऐसे ऐसे करिए। अदरवाइज RBI क्या करती है, अपने एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। मतलब RBI क्या काम करती है, स्वतंत्र रूप से हमारे देश में RBI वो काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बट RBI का जो सेक्शन 7 है एक्ट का, उसमें बेसिकली प्रावधान किया गया है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट का अगर बात आ रही है, मतलब गवर्नमेंट की बात आ रही है, जनता की बात आ रही है, हाँ, इस मामले में तो जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को एक तरीके से आदेश दे सकती है कि हाँ भाई आप ऐसा करिए। तो वो एक्चुअली से RBI को मानना भी होता है, पर एक तरीके से RBI के लिए वो बातें
हो जाता है। देखो अभी तक जो आरबीआई का ये एक्ट है सेक्शन 7 है, हम बात करें सेक्शन 7 की आरबीआई इस एक्ट की, ये आज तक कभी भी यूज नहीं किया गया हमारी हिस्ट्री में, मतलब आजादी के आजाद होने के बाद अभी तक तो इसको यूज है वो नहीं किया गया है। बट अहम बात क्या है कि इस बार कुछ डायरेक्शंस हैं वो दी गई, तो उसको लेके काफी बवाल उठा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को प्रेशराइज वगैरह कर रही है। तो देखो वो पॉइंट तो होते हैं अलग, हमें यहाँ पे ये जानना था कि आरबीआई के एक्ट के में सेक्शन 7 है वो है क्या। तो एक तो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट दे सकती है कि आरबीआई का जो एक्ट 7 है उसमें बेसिकली पहले से सेक्शन 7 है, इसको पहले कभी यूज किया गया है तो जी इसको आज तक पहले यूज है कभी नहीं किया गया हिस्ट्री में। इसके बाद में एक ये पूछ सकती है किससे रिलेटेड है ये, क्या मॉनिटरी पॉलिसी बनाने से रिलेटेड है, तो जी ये इससे रिलेटेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को एक तरीके से आदेश दे सकती है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो आपको ऐसे ऐसे करना है, अदरवाइज तो देखो आरबीआई है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम है वो करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट, देखो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा ये क्या है, लोकतंत्र से है, मतलब हमारे देश में देखो लोकतंत्र है, जनता का जनता के द्वारा शासन है और जनता के द्वारा ही शासन है वो किया जाता है। अब देखो मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जनार्दन होती है, मतलब जनता जैसे चाहेगी वैसे ही होना चाहिए। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जनता को, तो मतलब जनता अगर चाह रही है कि हाँ भी ऐसे होना चाहिए तो आरबीआई को वो बात माननी चाहिए, इसलिए बेसिकली ये सेक्शन 7 है वो ऐड है वो किया गया था। तो अभी इसको लेके बवाल उठ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रेशराइज कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज वगैरह कर रही है, तो उसको लेके बेसिकली ये कंटेक्स्ट था। तो उसके बारे में हमने कुछ फैक्ट्स थे वो यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। तो देखो बेसिकली ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, बेसिकली आज दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बाकी एक दो चीजें थी जो हमने क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए, और हमने हमारी डिस्कशन कल थी उसको भी कवर है वो कर लिया। अब देखो कल की जो डिस्कशन है वो थोड़ी मे बी थोड़ी लेट पब्लिश हो पाएगी, क्योंकि कल 10 बजे के बाद ही हमारी डिस्कशन है वो हो पाएगी मॉर्निंग वाली, तो 10 से 12 के बीच में लगभग मे बी पॉसिबिलिटी है कि मैं पब्लिश कर दूँ। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।